सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका भी दोस्तों पेटीएम के केवाईसी दोस्तों पूरा नहीं हो चुका है, 100% अगर केवाईसी आपका नहीं हुआ है तो आपका केवाईसी यहां पर इस तरीके का पेंडिंग आपको लिख के आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो पेटीएम अकाउंट है दोस्तों यहाँ पर पूरा बन चुका है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम पैसे भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेकिन हमारा जो केवाईसी है वो हमारा सक्सेसफुली 100% केवाईसी नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इस केवाईसी को करना चाहते हैं। तो केवाईसी करने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या करना पड़ेगा आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेटीएम पर दोस्तों केवाईसी किस तरीके से करते हैं, आज का ये वीडियो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे दोस्तों तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। और केवाईसी करने के लिए दोस्तों आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो किस तरीके से दोस्तों केवाईसी करना है, किस तरीके से क्या करना है, सारा चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। आपका फुल केवाईसी दोस्तों आज यहाँ पर मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। सिर्फ दोस्तों आपके पास आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए या वोटर आई कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तीनों में से दोस्तों चाहिए मन रहेगा जॉब कार्ड या आपके पास दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग बेहद ही आसानी से दोस्तों पेटीएम का केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी किस तरीके से करना है चलिए हम पूरा डिटेल में आपको जानकारी बताते हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है दोस्तों चैनल को लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको पेटीएम केवाईसी कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अभी हमने यहाँ पर दोस्तों पेटीएम केवाईसी नहीं किया है, तो हमारा यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है मिनिमम ट्रांजैक्शन एक दिन का दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 10,000 रुपये। ठीक है, और जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप लोग यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट कर लेते दोस्तों पूरा पूरी तो आप यहाँ पर दोस्तों अनलिमिटेड यहाँ पर दोस्तों आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप जैसे बैंक में क्लिक करेंगे तो बैंक में क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपको अपना अकाउंट यहां पर दोस्तों ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर चिलिक यहां पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देने को मिल रहा है अकाउंट, यानी कि दोस्तों आप केवाईसी कर लेते दोस्तों तो यहां पर अकाउंट सक्सेसफुली आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आपका बेनिफिट क्या होगा देख सकते हैं आपका ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं अनलिमिटेड फ्री यहाँ, यानी कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप कितना भी दोस्तों मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पर अनलिमिटेड लिख के आ रहा है। उसके बाद आपको एक फ्री डेबिट कार्ड दिया जाएगा दोस्तों, डिजिटल डेबिट कार्ड। ठीक है, जिसके माध्यम से दोस्तों आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों डेबिट ATM कार्ड, यानी कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर दोस्तों ATM कार्ड आपको फ्री में दिया जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों केवाईसी करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं चेक अकाउंट ओपन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर मैंने आप सभी को बता रहा था कि हमारा केवाईसी दोस्तों सक्सेसफुली नहीं होता है तो हमारा इस तरीके का पेंडिंग लिख के आता है। तो केवाईसी किस तरीके से करना है चलिए डिटेल में बताते हैं आपको। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपको केवाईसी करने के लिए दोस्तों अगर आपके पास पेटीएम अकाउंट नहीं है दोस्तों तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेटीएम एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। डायरेक्ट दोस्तों आप हमारे लिंक से क्लिक करके दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपको दोस्तों 100 रुपये का दोस्तों बोनस मिलेगा। ठीक है, बस आपको करना कुछ नहीं, बस आपको लिंक पर क्लिक करके बस आपको पेटीएम अकाउंट बना लेना है और पैसा किसी को भी ट्रांसफर कर देना है बैंक अकाउंट लिंक करके। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा जो पेटीएम एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों इसे इंस्टॉल होने देते हैं, उसके बाद केवाईसी किस तरीके से करना है सारा प्रोसेस हम जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो प्रोसेस मैंने आप सभी को बताया बस उसी चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल करके दोस्तों लॉगिन कर लेना। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करेंगे दोस्तों आपके सामने दोस्तों आपका इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप दोस्तों चाहें तो आप यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करके भी दोस्तों आप केवाईसी के पॉइंट में जा सकते हैं, लेकिन हम जो केवाईसी के पॉइंट पर जाने वाले हैं दोस्तों आप यहाँ से जाने वाले हैं, आपको जस्ट क्लिक करना होगा दोस्तों पेटीएम बैंक, आपको इस पर एक बार टाइप करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने फिर से वही पेज आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक स्टेटस अकाउंट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर दोस्तों जो केवाईसी पेंडिंग लिखा है इस पर आपको टाइप करना है। याद रखना दोस्तों जैसे आप टाइप करोगे इधर आपको टाइप कर देना हो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एरो देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आपका एरो, जस्ट आपको इस पर एक बार टाइप करना होगा। आपके पास दोस्तों आपका इस तरीके का अकाउंट स्टेटस समरी आ जाएगा, जिसमें देख सकते हैं दोस्तों आप मंथली लिमिट यानी कि आप 10,000 रुपये एक महीना में लिमिट यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आप बिना केवाईसी के यहां पर चलाते हैं तो। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे आना है दोस्तों और यहाँ पर आपको अपग्रेड योर अकाउंट नो पे, आपको एक्टिवेट नो पे क्लिक करना है। आपके पास दोस्तों आपका इस तरीके का डिटेल आ जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने केवाईसी का पॉइंट आ चुका है। पहला चीज़ तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास दोस्तों आपका अपना पैन कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड दोस्तों या आधार कार्ड होना चाहिए, जो आपका केवाईसी होगा दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो केवाईसी के माध्यम से किया जाएगा केवाईसी आपका। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, जस्ट आपको फिर से इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप टाइप हो के अगर आप इधर दोस्तों रिटर्न आ जाते हैं तो आपको फिर से अपग्रेड में क्लिक करना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है,
आपको जस्ट यहाँ पर आपको नीचे इधर स्टोर ऑन करना है दोस्तों। देख सकते हैं आपका जो केवाईसी होगा पूरा पूरी दोस्तों वीडियो केवाईसी के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देख सकते दोस्तों वीडियो केवाईसी का आपको सेक्शन मिल रहा है, तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास दोस्तों देख सकते हैं आधार कार्ड नंबर और नीचे यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर नाम डालना है, ठीक है। जैसा आधार कार्ड में लिखा हुआ दोस्तों उस आपको नाम डालना है एंड आपको यहाँ पर प्रोसीड में क्लिक करना है। टिक लगा करके दोस्तों प्रोसीड में क्लिक करना। तो चलिए मैं फटाफट से फिलअप करता हूँ दोस्तों और उसके बाद बताता हूँ वीडियो केवाईसी कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कन्फर्मेशन ओटीपी आपके पास आएगा। हालांकि यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना आधार कार्ड का डिटेल यहाँ पर ब्लर किया हुआ है। आपके मोबाइल नंबर पर दोस्तों एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे एंड डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे वाला बटन पर क्लिक करना है। आपके पास दोस्तों आपका डिटेल आ जाएगा। हालांकि दोस्तों यहां पर हमने अपना डिटेल को ब्लर किया हुआ है दोस्तों। इधर आपको नीचे स्टोर डाउन आना है दोस्तों, ये मैरिड है या अनमैरिड तो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना होगा दोस्तों, जिसका भी केवाईसी होगा। उसके बाद दोस्तों आपको इधर नीचे स्टोर डाउन करना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपको फादर्स का नाम डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट नाम डालना है, उसके बाद मदर्स नेम लास्ट नेम, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टिक लगाना है, यहाँ पर आपको एक बार टिक लगा देना है। तो यहाँ पर टिक लगाने के बाद दोस्तों आपको नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं फटाफट से सारा चीज़ कंप्लीट कर लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका पैन कार्ड का डिटेल पूछेगा दोस्तों। तो आपका जो पैन कार्ड में जैसा होगा दोस्तों, ठीक है, आपको यहाँ पर दोस्तों अपना पैन कार्ड का डिटेल डाल देना है, यानी पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डालना है एंड आपको यहाँ पर नीचे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने आपका इस तरीके का डिटेल आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वीडियो कॉल आपको इस वाला बटन पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपका जो केवाईसी होगा दोस्तों सक्सेसफुली दोस्तों आपके एजेंट के साथ दोस्तों फिक्स हो जाएगा और आपसे दोस्तों वो आपको वीडियो कॉल पर दोस्तों संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद दोस्तों आपसे अपना आपका आधार कार्ड पूछेगा और आपका जो पैन कार्ड आपका जो अभी आप नंबर डालेंगे उस नंबर को पूछेगा दोस्तों। नंबर को पूछने के बाद आपका दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुली दोस्तों केवाईसी कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो आपका केवाईसी होगा दोस्तों, आपके पास दोस्तों मैंने जैसे कि बताया दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड, एक पैन आपके पास होना चाहिए दोस्तों और एक सादा पेपर होना चाहिए, ठीक है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो केवाईसी होगा दोस्तों, या वीडियो केवाईसी प्रोसीड में मैं अभी चाहूँ दोस्तों तो क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं जिसके नाम से केवाईसी करना चाहता हूँ वो बंदा अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैं केवाईसी नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो बाकी यहाँ पर मैं आपको वीडियो कॉल का भी यहाँ पर रिकॉर्ड दिखा देता दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जैसे आपसे केवाईसी सक्सेसफुली कर लेते दोस्तों, केवाईसी सक्सेसफुल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 24 से 48 घंटे का समय लगेगा दोस्तों। उसके बाद जो आपका अकाउंट है दोस्तों सक्सेसफुली दोस्तों यहाँ पर आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन के लिए दोस्तों एलिजिबल हो जाएगा, आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप का आपको ये आज का ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों। मैंने आप सभी को दोस्तों डिटेल में बताया कि पेटीएम पर दोस्तों केवाईसी किस तरीके से करते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं बाद में केवाईसी कर लूँगा दोस्तों, मैं आप सभी को सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाया। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपके मन में कोई सवाल होगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।